ये गोवा बनाम गुजरात के बीच सिक्का उछाल हेड। यहाँ पे गोवा ने टॉस जीता और न्योता दिया है गुजरात को रेड की। लीजिए शुरू होता खेल गांधीनगर पहली रेड पे इस वक्त केवीएस से गांधीनगर बनाम गोवा यूनिवर्सिटी गोवा के बीच इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी मेन टूर्नामेंट 2024-25। श्री जगदीश प्रसाद जाबरमल टीबड़ी वाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू में आप सबका स्वागत अभिनंदन। और डिफेंस शानदार यह देखने को मिलता हुआ पहली रेड पे, पहले टॉस जीता उसके बाद बेहतरीन डिफेंस से गोवा की अच्छी शुरुआत। गोवा निश्चित रूप से टूरिस्ट पैलेस जो पूरे विश्व में विशेष पहचान रखता है, यहाँ देखते हैं कबड्डी में कैसी पहचान पेश करता है। शुरुआत अच्छी मिली है, फायदा कितना उठा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। टच पॉइंट की मांग, जी हाँ, टच पॉइंट के साथ ही केवीएस गांधीनगर को एक पॉइंट का झटका लगा। बहरहाल दूसरा पॉइंट इस वक्त गोवा की गरिमा में, तो बड़ा खेल हो सकता है इस वक्त गोवा का। टॉस का सिक्का भी गोवा की तरफ घुमा और यहाँ देखिए कितना बेहतरीन शिकार किया है। जिस प्रकार चीता शिकार करता है भूख मिटाने के लिए, कुछ उसी अंदाज से गोवा इस वक्त स्कोर बढ़ाने के लिए शिकार किया रेडर का। और यहाँ लंबे हाथ आगे बढ़ाते हैं, टच पॉइंट ईमानदारी का परिचय। गांधीनगर इस समय दलदल में शुरुआती क्षण खेल के, तो जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू की से सुगंधित मिट्टी से मैं गजानन आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ इससे बेहतरीन कवरेज के साथ है, जो कि आप फाइनल तक का सफ़र आपके अपना पसंदीदा कबड्डी चैनल गजानन दोबड़ा पे आप देख पाएंगे और जो कि उत्तम क्वालिटी के साथ आप आनंद उठाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल आर लिसनर, सभी खेल श्रोताओं का, कबड्डी फैंस का मैं हृदय तल की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सुपर टेकल ऑन 3 का डिफेंस, हालत नाजुक इस समय केवीएस गांधीनगर टीम की। इसमें देखिएगा गुजरात जो कि दूध या रोशनी में इस समय मुकाबला खेला जा रहा, क्योंकि सन सेट हो चुका है, लेकिन इधर गोवा सेट होता हुआ खेल में एक और पॉइंट का इजाफा। अब दो ही खिलाड़ी कोर्ट पे हैं, हालत नाजुक, कंधे झुकने लगे हैं और शायद पहले पॉइंट की तलाश में है अभी तक गांधीनगर। गांधी की वो दांडी यात्रा ज़रूर याद होगी, लेकिन इस वक्त ये कबड्डी में यात्रा थोड़ी सी असंतोषजनक होगी गांधीनगर गुजरात के लिए। 7 स्टार उभरते हुए खिलाड़ी एक से बढ़कर एक, जहां तक गोवा यूनिवर्सिटी गोवा का सवाल है। सुपर टेकल कंटिन्यू ऑन, 2 का डिफेंस, नियंत्रण करने की कोशिश है और यहां आसानी से गंवा दिया पॉइंट। अब अंतिम खिलाड़ी क्या बोनस के लिए जाएंगे या फिर बोनस देखते हैं रख पाते हैं कि नहीं, बचाने की कोशिश होगी। लक्ष्मण कॉर्नर के ऊपर जो कि अच्छा कॉर्नर दिखा रहे हैं 3 नंबर से, ओहो हो, जैसे ही पांव आगे बढ़ाया स्वीकार किया, शिकंजे में फंसता पांव, गोवा का ये दांव, ऑल आउट गांधीनगर। गजब का खेल इस वक्त गोवा का, तो गोवा टूरिज्म ही नहीं खेल जगत में भी आ गया था वाह। रेडर फिर से मिड लाइन की ओर यानी लक्ष्य रेखा तक, बोनस प्लस टच से डबल पॉइंट, तो गोवा लगातार अपनी स्थिति अच्छी बनाए हुए। ढाई अंकों में पहुंचा, साइड लाइन से बाहर भेजा, धक्का देकर रेडर आउट है। जी हाँ, सही फैसला, बिल्कुल सही डिसीजन, पुश किया था, साइड लाइन से बाहर भेजा और अंपायर की नज़र धोखा नहीं खा सकती, लेकिन यहाँ डिफेंडर गलती दोहराते हुए, हालांकि प्रयास थोड़ा दूर से कैच करने की कोशिश की, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। नाजुक स्थिति में गांधीनगर, और ये देखेगा शानदार ब्लॉक किया है 1 नंबर से, गजब का ब्लॉक, रेडर फिर से पॉइंट गंवाता हुआ। तो गोवा की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, गोवा गजब। ये देखिए 15 नंबर पहचान संख्या में सबसे बेहतरीन रेडर इस समय, अभी यानी अभी नहीं तो कभी नहीं सफल हैं। टच पॉइंट, शानदार ऑफसेटिंग, फाइनल तक आप देख पाएंगे क्योंकि अंपायर दोनों
टीमों के लिए बराबर तराजू का कार्य कर रहे हैं। जो बेहतर खेलेगा जीत उसी की होगी। साथ का सॉलिड डिफेंस इस वक्त गजब के कैप्टनसी टोटस का प्रयास है, लेकिन इतना आसान नहीं क्योंकि खौफ कहीं ना कहीं पॉइंट गंवाने का, उसी खौफ के चलते बैकफुट पे ही और डी लाइन को छूकर ही वापस मजबूर है लौटने को। सुपर टेकल ऑन, दो का डिफेंस ऑल आउट पहले ही हो चुका है। अब खतरा फिर से बढ़ता वहाँ, और ये लीजिए जी हाँ, ऑल आउट के साथ ही दूसरी बार अब बड़े स्कोर की ओर अग्रसर गोवा। दो बार ऑल आउट हो चुका है गांधीनगर, और लगता नहीं कि इस मुकाबले में जीत पाएगा। हालांकि अभी इतना जल्दी भविष्यवाणी करना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन यहाँ बेहतरीन तरीके से रेडर को बाहर भेजकर आउट किया, और यहाँ धक्का देकर फिर से बाहर भेजा। पहला पॉइंट इस वक्त देखे गांधीनगर की गांधीगिरी में, जबकि 20 पे पहले ही पहुँच चुका है दो बार ऑल आउट के साथ गोवा यूनिवर्सिटी। गोवा 19 अंक आगे है, और ऑल आउट यानी कि खाता खोलने के लिए दो बार ऑल आउट का सामना करना पड़ा है गांधीनगर को, और इस चार नंबर से काफ़ी अपेक्षा होगी, जो कि संघर्षशील खिलाड़ी माने जाते हैं, उदयमान हैं। लेकिन गोवा के सामने आसान नहीं होगा। पहला टच पॉइंट लीजिए, अब बैक टू बैक दूसरा पॉइंट को मिलाकर 2-20 का स्कोर, 18 अंक के आगे इस वक्त गोवा। ये अभी देखिए कितने बेहतरीन रेडर हैं, ऊंचा लंबा कद और उनसे बड़ा खेल इनका, तो कद के अनुसार ही परफॉर्मेंस अपेक्षाएं थी टीम को, और अपेक्षाओं तक पहुंच गए हैं लॉबी के सहारे। बड़ी रेड का मुजाहरा इस वक्त, 2 पॉइंट का इशारा प्लस बोनस यानी सुपर रेड अभी की। 23 पे पहुंचता हुआ गोवा, गोवा के गिरबान में लगातार पॉइंटों की बौछार, और उसके सामने बेहाल होता हुआ इस वक्त गांधीनगर केवीएस यूनिवर्सिटी गांधीनगर। धक्का दिया, बाहर धकेल दिया, देखिए कितना बड़ा पुश, जेंटल पुश। 24वां पॉइंट इस वक्त, बेहतरीन शुरुआत जितनी तारीफ करें उतनी कम है गोवा की। गोवा निश्चित रूप से प्रभावशाली खेल दिखाता हुआ इस वक्त जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू की धरा से, और डबल टच पॉइंट यहां जाएगा झोली में। जी हां, इसके साथ जो देखने को मिली और उसी का फ़ायदा उठा लिया दो पॉइंट अर्जित करते हुए अभी ने, जो कि आत्मविश्वास से भरपूर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल काफ़ी होनार खिलाड़ी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जिसके सामने केवीएस गांधीनगर झुंझता हुआ। दो बार पहले ही ऑल आउट हो चुका है, यहां धक्का दिया, लक्ष्य पार किया बड़ी देर से, और ये दूसरा सफल रेडर इस वक्त है। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो तीसरा पॉइंट, 26-3 का स्कोर, 23 अंक की बढ़त, काफ़ी मजबूत स्थिति में। 27-3 का स्कोर यानी 24 अंक की बढ़त आ चुकी है। चार नंबर से अपेक्षित इस वक्त गांधीनगर, लेकिन अपेक्षाएं हर बार साकार नहीं होती, संघर्ष छोटा हो तो फिर वापसी आसान नहीं होती, और जो संघर्ष के पथ पर चलते हैं जज्बात खिलाड़ी, तो विपक्षी टीम की भी जीत आसान नहीं होती। परिवर्तन के तौर पे चले मातर शक्ति को प्रणाम किया लक्ष्मण, ये संभवतः इनका पहला रेड है। परंपराओं के अनुसार वीवीएस लक्ष्मण, जो कि क्रिकेट के बेहतरीन स्टार रहे हैं, कलाइयों के किंग माने जाते थे। उड़ान कितनी लंबी, ये देखिए एयर इंडिया की भांति हवा में बड़ी उड़ान देखने को मिली, और शानदार पॉइंट अर्जित किया। तो एक ही रेडर नहीं है, अभी को छोड़ दिया जाए तो लक्ष्मण जैसे स्टार भी इसमें हैं, और यहाँ लॉबी में है, लेकिन बाहर का ही रास्ता अब ढूंढना पड़ेगा। चार नंबर अंतिम खिलाड़ी, तीसरी बार ऑल आउट, फर्स्ट हाफ में खतरा बढ़ता हुआ आत्मसमर्पण, और ये लीजिए थर्ड टाइम केवीएस गांधीनगर गोवा के सामने ऑल आउट।
31-31 इसमें गोवा, जबकि खरी है इस वक्त केवीएस गांधीनगर यानी 28 अंक की विशाल बढ़त। को अंदर लिया गया है। एक तरफा का मुकाबला देखते हुए अब आपको कोर्ट नंबर 2 पे चलते हैं जहां पे बेहतरीन मैच शुरू होने जा रहा है। शुक्रिया।